इधर से तो तुम लोग पहचान ही गए होंगे कहाँ पे पहुंचे। तो आइल ब्रो, आज हम लोग आए वापस एवियरी पे, थोड़ा सा काम था इसलिए रानी ने बोलवा, रानी को मिलके जाते अपने। ओके बेटा यहीं आओ ले, वो खाने में बिजी है अभी रानी, देख लो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी हुई, कुछ नहीं है अब उसको। तो मैं और तू सर आए एवियरी, एवियरी पे लोग कैलिस्थेनिक कर रहे हैं हमारे शेर चीते सारे। तो बर्ड्स देखते अभी जो हमने लगाए थे उनका ब्रीडिंग कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, और जो ब्रीडिंग साइकिल है उनकी चल रही है कि नहीं, और एक दोस्त है नन्ना सा उसको भी दिखाते हैं। बारोड एलिस मैं कुणाल, कैम जो भाई लोग, अरे पार्थू भाई भाई ना देखा ला दी भाई, कैम जो बूरा भी आया, ये बूरा भी आ चुका है और एक दूसरा दोस्त है वो थोड़ी देर बाद दिखाते, पहले अपनी एवियरी दिखाते, बहुत दिनों बाद आए तो बूरा हाई कर दे बूरा। तो वेलकम टू द एवियरी, ये सारे बजरीज हैं, इसमें हॉलैंड क्रॉस बजरी भी है, उसमें वो रहा ब्लू वाला, जो ब्लू है ना वो हॉलैंड क्रॉस। उसके बाद में इन लोग की पैर पड़ गई है अच्छे से, अंडर बॉक्स में भी जाना स्टार्ट कर दिया है उन लोग ने, और हेलीकॉप्टर बजरीज की भी पैर हो गई है दो दो की, और ये सेक्शन और ये सेक्शन अलग बना है, हेलीकॉप्टर बजरीज को उधर से इधर शिफ्ट कर दिया और जो उधर नॉर्मल वाले वो सारे उधर कर दिए हैं, मतलब रेनबो एंड हॉलैंड क्रॉस, और जो नॉर्मल है वो तो इधर एवियरी में खुल रही है। एंड प्लस हमारे पास दूसरे छोटे बच्चे हैं थोड़े, जावा में भी अल्बाइनो भी है और जावा है, ये सारी चीज़ें हुई अभी तक यहाँ पे। ये वाला केज और वो वाला केज नया बना है, और जो केज मतलब खुला ही है वो जा सकते हैं आजू बाजू। लूसी इन द हाउस, गुड 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 गुड, काटने लग जाते हैं वो थोड़ी देर में, थोड़ी देर ही खेलते हैं वो लोग। देखो वो बॉक्स में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इसको आप ऐसे जान सकते हो कि इसको जो स्पेक्टिकल्स पीछे बने हैं उसकी वजह से, शिव जी का जो त्रिशूल है ना उसकी वजह से जाना जाता है, लेकिन जो साइंटिफिकली रीजन है ना उसका वो ये है कि अगर कोई प्रेडेटर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहा है ना तो कि बचाव के लिए वो काम आएगा उनको ऐसा। फाइनली इसको हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, ये डब्बे के अंदर था, और ऐसे ही रेस्क्यू करें, स्टंट्स ना करें इसके साथ, कोई भी ऐरे गहरे लोग जो करते हैं वैसा उनको कॉपी मत करो, ना हमें कॉपी करो, जो हम वहाँ भी कर रहे थे जो पैर से, दैट इज ऑल्सो एक ऐसा था ना कि जिसका इससे फोकस बना रहा और उसका हुड खुला रहा है। आपको देखो ये हुड खुलने के लिए खाली इतना ही करना है, ये हुड खोल देगा अपनी, यू कैन सी इट, ये देखो, और जो सेफली जैसे रेस्क्यू करते हैं ना वैसे ही रेस्क्यू करो, कोई आड़ी तेड़ी चीज़ें इसके साथ ट्राई मत करो, बहुत जहरीली चीज़ें ये। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि लाइक स्टंट्स करने के लिए ऐसे के लिए, कभी भी इनको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करो। और फर्स्टली जो मेन चीज़ है ना स्नेक रेस्क्यूअर को क्या चाहिए, आपको ये फुल स्लीव कोई भी शर्ट पहन के जाना है, एंड सेकेंडली आपको जीन्स पैंट पहननी है कभी भी, और शूज़ कंपल्सरी है, शूज़ आपको चाहिए ही चाहिए। कभी भी आप स्नेक हैंडलिंग कर रहे हो तो कोई भी चीज़ ऐसे हैंडल मत करो, चप्पल वप्पल में मत पहुंच जाओ, बिकॉज ऑफ कि देखो जो नए लोग हैं जो ये फील्ड में आ रहे हैं लाइक रेस्क्यूइंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर नॉलेज हो, गाइडेंस हो। जो आप टोंग यूज़ करते हो ना, टोंग लाइक एक क्लिप जैसा आता है जिससे आप यू कैन हैंडल दिस स्नेक, सो वो कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि उसकी वजह से उसके जो लंग्स एरिया है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो ये जो है ना उसके जो यहाँ पे ना यहाँ पे लंग्स एरिया आते हैं, अगर वो आपने टैप कर दिया ना तो उधर से वो लंग्स जो अगर फट गए ना उसके, तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप रेस्क्यू से ज़्यादा आप क्या कर रहे हो पता है, उनको मार डाल रहे हो। तो ये को अगर सीखना है तो ऐसी संस्था है, ऐसे NGO हैं, ऐसे स्नेक हैंडलर्स हैं जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में, तो वो आपको प्रॉपरली गाइडेंस के साथ आपको सिखा सकते हैं। नेवर डू दिस थिंग्स विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और कोबराज के ऊपर डायरेक्ट मत जाओ, कोबराज आर इजी टू हैंडल, बट अगर आप कोई कॉल पे गए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोबरा ही मिलेगा या आपको कोई नॉन वेनमस स्नेक ही मिलेगा, इफ़ देर इज़ अ रसल वाइपर, इफ़ देर इज़ अ सॉस्किड वाइपर, तो आपकी जान खतरे में चली जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि जो पॉइजनस स्नेक है उनको आप हैंडल कैसे करोगे। पहले रिलीज करते हैं,
जी तो कैसे हैं सब? देखो जो मैं चीज़ें करता हूँ वीडियोस में या मैं वाइल्ड लाइफ के साथ जो चीज़ें करता हूँ वो कोई ऐसी मेजर चीज़ें है नहीं। जैसे कि आप अगर कोबरास को हैंडल कर रहे हो ना तो यू हैव टू लाइक कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली बात तो यही है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ वो तो कभी ट्राई मत करो। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने सीखा है, उनको पता है बहुत सारी चीज़ें। हम एनजीओस के साथ भी बहुत सारे एनजीओस के साथ जुड़े हैं। हमारे एरिया में ऐसा है कि सारे लोग एक ही साथ मिलकर काम करते हैं हम लोग, और हम लोग वाइल्ड लाइफ पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि जो कुणाल पार्थ, फिर बहुत सारे लोग हैं हम लोग के साथ जो मैंने वीडियोस में भी बताया आपको, जो सीखे हुए हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस चीज़ों में। और देखो जो मैं कर रहा था ना उसको स्नेक हिप्नोटिज्म कहते हैं कि लाइक अगर स्नेक आपके सामने खड़ा हो और उसको आपको हिप्नोटाइज करना है कि लाइक हिप्नोटाइज इन द सेंस वो आपकी बातें नहीं मानने लग जाता, बट हाँ वो हुड खोल के एक जगह पे खड़ा रह जाएगा बिकॉज ऑफ कि उसको कोई भी चीज़ आप देखो मदारी जो करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो स्नेक उनकी जो बीन का आवाज़ है उसकी वजह से नहीं नाचता कभी। वो स्नेक है ना जो बीन के आगे जो ब्लैक कलर का कोई कपड़ा होगा जो हिल रहा होगा ना उसकी वजह से नाचता है। तो हम लोग भी यही चीज़ करते हैं क्योंकि स्नेक अपनी हुड खोले, थोड़ा सा ऊपर करे और जो चॉकलेट का डब्बा या प्लास्टिक का डब्बा आता है वो हम लोग सीधा जाके ग्रैब कर सकते हैं उसको। सो ये बहुत इजी वे है कि आप कोबरास को रेस्क्यू कर सकते हो। जो रसल स्वाइपर हैं और बहुत सारे दूसरे स्नेक्स हैं जिनको हुड नहीं है, जो ऊंचे नहीं होते, उनके लिए इथिकल रेस्क्यूज है कि लाइक जो आपने देखा ही होगा एक बोरी के अंदर थोड़ा सा छोटा सा पाइप लगा के फिर वो बोरी के अंदर स्नेक को और जहाँ से जा रहा है वहीं पर रख देते हैं और स्नेक सीधा अंदर चला जाता है। दैट इज इथिकल रेस्क्यू। बहुत सालों मतलब सबकी अलग 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 सोच है, सब अलग अलग तरीके से रेस्क्यू करते हैं। जैसे कि मैं अलग तरीके से रेस्क्यू करूंगा, मेरे साथ कोई दूसरा बंदा अलग तरीके से रेस्क्यू करेगा। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इससे नहीं कि आप स्नेक रेस्क्यू कर रहे हो, अच्छी बात है स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं, यूथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। अगर किसी और को जुड़ना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम की, आप मेरे को सीधा मैसेज करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनको वॉलंटियर्स की नीड है तो आप उसमें जुड़ सकते हो अपने हिसाब से, और वो लोग आपको ट्रेन भी करेंगे प्रॉपरली। बट यू हैव टू बी ए एनिमल लवर। सिर्फ आपको स्नेक हैंडलिंग सीखना है तो आप मत आओ, समझे? आप सारे एनिमल को रेस्क्यू करो। जैसे कि गाय का कॉल है तो गाय का कॉल भी अटेंड करना है हमको, डॉग कॉल आया, कैट कॉल आया, बर्ड कॉल आया, आप सारे कॉल अटेंड करो गाइज। लोग क्या कर रहे हैं ना, खाली स्नेक कॉल जाके अटेंड करते हैं होशियारी मारने के लिए, ऐसा कुछ। सो डोंट डू दैट। और मेरे को थोड़ा भी नहीं पसंद, मैं स्नेक कॉल ज़्यादा कभी अटेंड नहीं करता। मेरे को पता ही है क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो इतने सारे लोग हैं ना जो जाके स्नेक कॉल अटेंड कर लेंगे। तो डॉग कॉल हो गया, बर्ड कॉल हो गया, कैट कॉल हो गया या काव कॉल हो गया ना, तो मैं थोड़ा सीरियस नोट पे उसको लेता हूँ। स्नेक कॉल क्या है ना कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो तुरंत चले जाएंगे होशियारी मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जैसे भी जाए वो जाते हैं। और आधे से ज़्यादा ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ये सारे, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा, 90% वॉलंटियर्स अच्छे हैं, 10% ऑफ ऐसे हैं कि खाली होशियारी मारने के लिए जाते हैं और उसके अंदर उनकी होशियारी में उनको बाइट पड़ जाती है। मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पैक था। अगर शायद आप वो वीडियो वापस देखोगे तो मैंने जीन्स पहनी है, मैंने शूज़ पहने हैं, मैंने फुल स्लीव शर्ट पहना है, इसमें बाइट होने के चांसेस बहुत कम है। और जो मैंने जीन्स पहनी है वो मतलब बहुत थिक है, तो मेरे हिसाब से जो कोबरा था वो इतना जल्दी मेरे को बाइट नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई मैं कामली खड़ा हूँ और दैट्स वाई मैं उसको जाने दे रहा हूँ इधर उधर सारी जगह से, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ़ आपके सामने भी अगर ऐसे कोबरा स्नेक या कोई भी स्नेक आ जाए ना, आप सिंपली खड़े रहो, सिर्फ खड़े रहो, पकड़ो मत, कुछ मत, हिलो भी मत, खड़े रहो, वो अपने आप निकल जाएगा अपनी जगह से। यही सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विल मीट सून गाइज। और अभी ब्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, सो बने रहो। थैंक यू।